बचते हैं ये सब इक्वेशन आने के बाद में, या तो आप खर्चे कम कर दो या तो कमाई कर दो, कौन सा अच्छा है? हम करते हैं कौन सा? मतलब आज की कंडीशन ऐसी है लोगों की, अपने आप के ऊपर 30 रुपए भी खर्चा करना नहीं चाहते। बचाने के चक्कर में क्या होता है, जहां पर पूरा फ्रूट वाली खाना खाना चाहिए वहां पर बड़ा भाव में नाम चला जाता है। अब देखना यह बचाने के चक्कर में कितना नुकसान करके ले जाए, जहां पर ऑपरेशन करना चाहिए, बस करना चाहिए, वेंटिलेटर में जाना चाहिए वहां पर लॉकिंग करके जाता है, जहां पर नाइजर पानी पीना चाहिए वहां पर ट्यूबवेल पानी पीता है। टेंशन आ गया भाई दादा, तो ये सब चीजें सॉल्यूशन की तरफ लेके जा रही है, प्रॉब्लम को और क्रिटिकल बना रही है। तो ये तरीका हो गया बचाने वाला। दूसरा तरीका है कमाने वाला। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमाने वाला तरीके के बारे में हमसे बात करते हैं। इंटरेस्टेड है लेकिन लफड़ा है, ये देख रहा है, ये 24 घंटा तो खत्म हो गया। अब कहीं पर भी काम करो ये जो टाइम तो डालना पड़ेगा। बाजार में ऐसे बहुत सारे ऑफर आते हैं कि 10,000 डालिए हर महीना 2,000 दे जाए, और लोग डालते हैं और लोगों को मिलता भी है ना, लोग अमीर भी बनते हैं बहुत सारे, है ना। हर महीना प्रेजेंट काम आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि उससे आपकी वर्तमान रोजी रोटी चल रही है, क्लियर है। उसके साथ में आप प्रोडक्ट को करना मैनेज कीजिए। जैसे आज हम यहाँ पर आए तो 2 घंटे रहे, आप निकाले कि नहीं निकाले, आज आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऐसा कुछ प्रपोजल है, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन पे आने वाले कुछ महीनों कुछ साल आप काम करेंगे तो पैसा आपके पास आए, तरीका आपको पता है, लेकिन काम करना पड़ेगा। तैयार हो? बाहर की दुनिया में भी काम करने का पैसा मिलेगा, गारंटी नहीं लेंगे, दुनिया के अंदर थोड़ा काम करो पैसा बहुत मिलेगा। मतलब इनकम उस वक्त भी आपकी फैमिली को मिलेगी जिस वक्त हम दुनिया में विश्वास होता है, नहीं हो रहा हो तो कर दो, जमाना बदल गया है, हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। आज विश्वास नहीं होता गूगल ले जाओ, कैसे तो दुनिया में लोग हैं जो बिना काम के भी पैसे कमा रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, हमारे साथ दुनिया में है कि नहीं धीरू भाई है या नहीं, उनको पैसा जा रहा है तो ऊपर है, उनके खानदान में जा रहा है। आप चेक कीजिए धीरू भाई के जमाने में ही हमारे पार्टनर तो रहे, उन्होंने जो काम किया राज्य में पैसा आता है उससे, तो आज हम जो काम कर रहे हैं इससे पैसा आने वाले जनरेशन में जाएगा नहीं जाएगा, ये बंदा आपको बताया जा रहा है कि धंधे में आपने सही तरीके से मेहनत कर दिया साहब, आज इस जगह में काम करो आने वाले 7 पीढ़ियों का बंदोबस्त ये धंधा करके देगा। मुझे याद नहीं आ रहा था कि जनसंख्या भारत की जनसंख्या भारत के लिए वरदान है या अभिशाप, तो हम लोग इधर निकल के प्रयाग वाले अभिशाप के वरदान तो है ही नहीं, क्योंकि सब नेता लोगों ने किताब में पुस्तक के बिठा दिया, सब बुक्स में सब कुछ बिठा दिया, जनसंख्या बढ़ेगा तो तकलीफ आएगा, राइट अलॉन्ग। लेकिन आज जब थोड़े से हम समझदार बने, थोड़ी अक्कल आई, थोड़ी बुद्धि आई, तो आज समझ में आता साहब आज जनसंख्या हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हो रही है। लोग आए कहा हिंदुस्तान में, हम तो हमारे लोग
तो इसीलिए जनसंख्या हमारे लिए वरदान साबित हो गई है, लेकिन उस वरदान को अगर आपको वरदान करके लेना है तो डायरेक्ट आपको सपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा